नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेर और आखिरकार OnePlus ने अपना नया स्मार्टफोन 6T लॉन्च कर ही दिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये फ़ोन आ चुका है और इस वीडियो में मैं आपको OnePlus 6 और 6T का एक स्पेसिफिकेशन बेस्ड कंपैरिजन दिखाता हूं ताकि जो आपकी क्वेरी है कि OnePlus 6T खरीदा जाए या फिर OnePlus 6 ही लेके हम खुश रहें तो वो कुछ हद तक ज़रूर सॉल्व होगी। अब सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात कर लेते हैं क्योंकि वही सबसे बड़ा यहाँ पर चेंज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OnePlus 6T जो है इसमें आपको एकदम स्मॉलर नॉच मिलता है, नीचे की तरफ चिन जो है वो भी बहुत पतला कर दिया कंपनी ने पहले से और ये आप यहाँ पर खुद जज कर पाएंगे दोनों फ़ोन्स के चिन को देख के साथ साथ। जबकि OnePlus 6 में आप देख सकते हैं कि जो नॉच है वो बड़ा है, हालांकि दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो इस नॉच को अलग अलग नाम देती हैं जैसे कि ड्यू ड्रॉप, हलो नॉच या फिर वाटर ड्रॉप, बट OnePlus ने इसे सिर्फ स्मॉलर नॉच का नाम दिया है और इसी वजह से ये फ़ोन देख सकते हैं फ्रंट से अपने पहले वाले फ़ोन OnePlus 6 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद भी आएगा। डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, 6.41 इंच का आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है जबकि OnePlus 6 में दिया है 6.28 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि OnePlus 6T में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है तो वहीं OnePlus 6 में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो डिस्प्ले में बहुत बड़ा चेंज किया है कंपनी ने और ये आप खुद ही जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताया उस बात से अंदाज़ा लगा के जान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम साइड से देखेंगे तो दोनों फ़ोन्स ऑलमोस्ट इक्वली थिक हैं, बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं दिखेगा आपको दोनों फ़ोन्स में। मैं आपको ये इस तरफ से दिखा देता हूँ, दोनों फ़ोन्स के आपको राइट साइड पे इनका अलर्ट स्लाइडर मिल जाएगा। बैक साइड पर नजर डालें तो पीछे से एग्जैक्टली सेम है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग और वो है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। OnePlus 6T में फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे नहीं दिया, वो डिस्प्ले पे है, उसका टेस्ट दिखा देता हूँ अभी आपको मैं। अभी हम सिर्फ डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालांकि मेरे पास अभी ये एवेंजर एडिशन है लेकिन OnePlus का भी मिडनाइट ब्लैक कलर आता है जो कि आपको एग्जैक्टली OnePlus 6T जैसा ही दिखेगा, कोई भी चेंज नहीं है। कैमरा प्लेसमेंट हो, पीछे का कर्व्ड हो, साइड में एजेस जो कर्व दिए हैं वो हो, ओवरऑल डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है। साथ साथ अगर हम इनके लेफ्ट साइड पर भी देख लें तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में सेम चीज़ दिखाई देगी, यानी यहाँ पर आपको वॉल्यूम लॉकर की मिल जाती है और ऊपर की तरफ सिम ट्रे दिया है और सबसे ऊपर टॉप पर देखें तो दोनों में कुछ भी नहीं दिया और नीचे की तरफ अगर हम देखें दोनों फ़ोन्स में तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो दोनों फ़ोन्स में आपको टाइप सी चार्जिंग के लिए मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल मिलता है लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है कि OnePlus 6T में 3.5 mm ऑडियो जैक हटा दिया गया है और कंपनी का कहना है कि 3.5 mm ऑडियो जैक को हटा के कंपनी ने इस फ़ोन में एक बेनिफिट किया है कि बैटरी बढ़ा दी है। 3700 mAh की बैटरी आपको इस फ़ोन में मिलती है तो आपको इससे अब ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप मिलने वाला है और ये फ़ोन आपको बैटरी के लिहाज से किसी भी मामले में निराश नहीं करेगा। अब हम जो पॉइंट बात कर रहे थे इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो मैं अब आपको एक बार OnePlus 6T का फिंगरप्रिंट सेंसर का डेमो दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट सेंसर बना है और फिंगर रखी और फ़ोन खुल गया। एक बार फिर से डेमो कर लेते हैं, फिंगर रखी और फ़ोन खुल गया। तो कंपनी का कहना है कि ये काफ़ी फास्ट है, ऑलमोस्ट वीवो नेक्स के मुकाबले ये फास्ट है, बट जब मैंने इसको फर्स्ट इनिशियल डेज में टेस्ट किया था तो मुझे वीवो नेक्स से भी थोड़ा सा फास्ट लगा था। हालांकि हो सकता है कि ग्रेजुअली ये हल्का सा स्लो हो जाए पर एनीवे वो कुछ और दिनों के यूज़ के बाद ही पता चल पाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि दोनों ही फ़ोन्स आपको ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन मुहैया करवाते हैं, यानी आपको OnePlus 6T में भी Qualcomm Snapdragon 845 चिपसेट मिल जाता है, इसमें भी 6GB और 8GB रैम वेरिएंट आते हैं और OnePlus 6 की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको Qualcomm Snapdragon 845 चिपसेट मिलता है, इसमें भी 6GB और 8GB रैम मॉडल्स आते हैं लेकिन फ़र्क यहाँ पर यह है कि OnePlus 6T में से 64GB स्टोरेज वेरिएंट हटा दिया गया है जबकि OnePlus 6 में अभी भी आपको 64GB वेरिएंट मिलता है। OnePlus 6T में आपको 128 और 256GB वेरिएंट ही मिलते हैं, यानी 6128, 8128 और 8256। तो यहाँ पर कंपनी ने 64GB को हटा दिया है। इसके साथ साथ कैमराज भी दोनों के सेम है, दोनों में आपको 16+20 MP का डुअल रेयर सेंसर मिल जाता है और फ्रंट में भी सेम 16 MP का शूटर आपको दोनों फ़ोन्स में मिल जाएगा। कुछ भी कंपनी ने सेंसर वाइज चेंज नहीं किया, जो कि कंपनी ने हमें बताया है कि सब कुछ स्पेसिफिकेशन पूरी तरह से सेम है और आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा। दोनों फ़ोन में एंड्रॉयड पाई मिल जाता है, हालांकि OnePlus 6T में कुछ एडिशनल फीचर्स डाले गए हैं ऑक्सीजन OS के थ्रू लेकिन कंपनी का कहना है कि वो आपको बहुत जल्द OnePlus 6 में भी देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा डिफरेंस बहुत ही मार्जिनल है, डिफरेंस जो है वो है इसकी फ्रंट लुक का
3.5 mm ऑडियो जैक हटा दिए गए जो कि थोड़ी निराशा की बात है। बैटरी इंप्रूव कर दी गई है और यहाँ पर इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जबकि OnePlus 6 और 6T के बाकी स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली सेम है। तो अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि OnePlus 6T की शुरुआती कीमत है लगभग 38,000 रुपये, जबकि OnePlus 6 की शुरुआती कीमत है लगभग 35,000 रुपये। तो अब ये 3,000 रुपये का डिफरेंस है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी कुछ दिनों बाद OnePlus 6 के प्राइसेस को भी शायद स्लैश कर दे। ऐसा हो सकता है कि शायद ना भी करे, बट ये सिर्फ मेरा अनुमान है। और ऐसे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ दिन वेट करके ही आप OnePlus 6T को खरीदें, क्योंकि अगर प्राइसेस स्लैश हुए तो उसके इसमें OnePlus 6 लेने में ज़्यादा फायदा रहेगा। पर एनीवे, ये तो थी मेरी राय इस फोन को लेके। आपके सोचते हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।